व्यापार में अपने वचन का पालन करो, तरक्की करोगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मूल पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को व्यापार में तरक्की तो जरूर करना है, मगर वचन का पालन नहीं करना है। लोगों को मूर्ख बनाने का है, अप्रामाणिकता करनी है, समय पे जो बोला हो समय पे करना नहीं है, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करना है, ऐसे से व्यापार नहीं होता। यदि आप जो बोला वो करते हैं और जिस समय पे बोला उस समय पे वो करते हैं तो आपकी तरक्की होगी। ये समय पे मैं चेक दूंगा और वो समय पे चेक दे रहे, ये समय पे माल पहुंच जाऊंगा मतलब पहुंचाऊंगा तो वो समय पे माल पहुंच रहा है, ये समय पे हाजिर होऊंगा तो वही समय पे आ रहा है, तो आपकी विश्वासार्हता बढ़ती है, आप ट्रस्टवर्दी बनते हो, आप रिलायबल बनते हो। नहीं, इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आपने नोट गिन के दिया हुआ है तो वो नोट 100 मतलब 100 गिनेगी, उससे एक ज़्यादा भी नहीं एक कम भी नहीं है, इतना काम परफेक्ट आपका रहेगा। यदि लोगों को विश्वास आ गया तो लोग आपसे बिजनेस करना चाहेंगे। देखो तो रामायण में भी कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। और बिजनेस में आपका वचन खाली नहीं पड़ता है, खाली नहीं गिरता है, खाली नहीं जाता है, तो डेफिनेटली आपकी तरक्की होगी। मराठी में बोलते हैं, बोले तैसा चाले तैची वंदावी पावले, इसका मतलब है कि जो जैसा बोलता वैसा चलता है तो उसके पैर छूना चाहिए। इतना बड़ा आदमी होता है, इतना महान होता है, मतलब जो बोला वो करो और जो समय पे बोला वो समय पे करो, जैसा करना चाहिए एक्सलेंट, कैसा करना चाहिए एक्सलेंट, तो जैसा करना चाहिए वैसा करो और जो समय पे बोला मैं ऐसा करूंगा वैसा करो। और लोगों की जो अपेक्षा है वो अपेक्षा जिस समय पे पूर्ति करना चाहिए उस समय पे वो अपेक्षाओं की पूर्ति करो। यदि आप करते हैं तो गिराई आपके पास में आने के लिए तरसेगा, लोग आपके पास में आके माल लेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, लोग आपको लगे उतना क्रेडिट देंगे, लोग आपके माल के क्वालिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे, मालूम है कि नहीं ऐसा मतलब ऐसे ही करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये ऑनेस्टी, ये ट्रूथफुलनेस, ये पारदर्शकता मतलब ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में होती है तो आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि किसी को मूर्ख बना के चीटिंग करके पैसा ज़्यादा भी मिलेगा बिजनेस में, मगर वो ज़्यादा समय तक सफलता टिकने वाली है नहीं। आपको सफलता ज़्यादा समय तक टिकने वाली है, टिकने वाली चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, अपने जुबान को कीमत देना, जो जबान दिया है वो जबान का पालन करना, जो शब्द दिया है उसका पालन उस समय पे करना, वो यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मगर लोगों ने किया क्या है, लोगों ने ऐसा किया कि अपना शब्द बहुत सस्ता बना दिया है। हाँ कर लेंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जी कल मिल लूँगा, अच्छा परसों माल पहुँच जाएगा जी, कोई चिंता नहीं है। जब वो बोलता है ना तभी अपने को लगता है ये करने वाला है नहीं, मतलब इतना आसानी से लोग बोल देते हैं। आपका शब्द परफेक्ट आपको रखना है, समय पे रखना है, तो आपके पास में एग्जिस्टेंस सिस्टम होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस सिस्टम मतलब आप जो शब्द दे रहे हैं, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस वो वचन कहीं ना कहीं लिखे होना जरूरी है। उसके लिए वो लिखने के लिए आपके पास में डायरी है, आपके पास में कैलेंडर है, आपके पास में मोबाइल में नोट्स है या कैलेंडर है, आपके पास में अलार्म लगाया हुआ है, ताकि वो सिस्टम जो है आपके आजू बाजू की वो आपको रिमाइंडर करेगी, रिमाइंडर देगी कि अरे अपने शब्द दिया आपको करने का है। अदरवाइज आप ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि भूल जाएंगे, क्योंकि आप यदि बहुत पावरफुल इंसान है 50 काम आपके पीछे है तो नेचुरल है कि आप उसमें से 2 भूल सकते हैं। मगर यदि आपके पास में स्ट्रांग सिस्टम है, एग्जिस्टेंस सिस्टम बोलते उसको, पावरफुल स्ट्रक्चर्स है कि जो आपको याद दिलाएंगे, तो आप वो समय पे वह काम करेंगे, जो समय पे बोला वो समय पे करेंगे, और जितना बोला जैसा बोला वैसा करेंगे, इसमें धंधे में बहुत बड़ी क्वालिटी आ जाएगी, बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी, एक अच्छे लेवल पर आपका बिजनेस हो जाएगा। इतना है कि बस ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्राहकों के प्रति ट्रूथ रहते हैं, अपने आप के प्रति है क्या? नहीं, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है, ग्राहक मुझे सवाल भी नहीं कर रहा है, किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए उसको तो मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम है कि उसने ज़्यादा पैसे दिए तो क्या मैं वापस कर रहा हूँ क्या कि उसको मालूम नहीं? तो मतलब आप ट्रूथफुल अपने आप के प्रति भी है कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसे आए तो मैंने वापस करना चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके प्रति लोगों का विश्वास बनेगा और लोग आपके पीछे आएंगे कि हमको आपसे धंधा करना है, हमको आपके साथ में बिजनेस व्यापार करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।